हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग पनीर बनाते हैं। ये जुटा के रखी हुई दूध, ये करीब 2 लीटर दूध है। देखिए अब इसका कैसे पनीर बनाते हैं। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, गैस जलाते हैं। अब इसको देखिए हम खोलने के लिए रख देते हैं। जब ये उबल जाए तब पनीर बनाते हैं। अभी ये गर्म होने के लिए हम इसे रख दिए हैं गैस पे, ऑन करके गैस। अब देखिए ढक्कन खोलते हैं इसका, देखिए खोला कि नहीं, आया कि नहीं करीब, नहीं तो ऊपर जो है खोल के एकदम ऊपर ऊपर निकल जाएगा। अभी ये जो है अभी थोड़ा टाइम लगेगा और जैसे। देखिए दोस्तों, हम इतना साइट्रिक एसिड लिए हैं, ये है साइट्रिक एसिड। देखिए इससे अब कितने में ये जो है वो होता है, फटता है पनीर, कितने में बन जाती है। अब ये खोल चुका है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, दो दो चार चार चम्मच दो दो चार चार दाने इसमें डाल के ऐसे रोटेशन में इसको हिलाते रहेंगे, एक रोटेशन में। देखिए दोस्तों, ये अब ये फट गया है। देखिए देखिए फट गया है, ये पनीर जितनी है सब एक साथ हो गई है। देखिए इकट्ठा, अब इसको हम कपड़े से छान लेंगे, पनीर अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। देखिए ये फट गया। अब देखिए ये सफेद कपड़ा बिछाए हैं भगोने के ऊपर, खाली भगोना है, सफेद कपड़ा बिछा हुआ है। अब इसको हम इसको छानेंगे, इसको बचा के छानना है थोड़ा कपड़े के लिए। छान लिया, इसको ऐसे उठा लेंगे। अब इसको ठंडे पानी में हम धो लेंगे, नल के नीचे इसको डाल दे रहे हैं, ये ठंडे पानी में धो लेंगे इसको। अब बहुत ज़्यादा निचोड़ेंगे नहीं, निचोड़ने से सब पानी निकल जाएगा तो ये ठोस हो जाएगा। बस अब इसको पानी ठंडा लेके इसको ऐसे बांध देंगे, इससे बांध के इसी में ऐसे डाल के छोड़ देंगे थोड़ी देर, 2-4 घंटे। और अगर बनाना हो तो तुरंत बनाए ठंडे होने के बाद, और नहीं तो फिर इसको जो है फ्रीज में इसी तरह किसी कपड़े से किसी बर्तन में करके फ्रीज में रख देंगे। खोलेंगे ठंडा होने के बाद तब दिखाते हैं आप। देखिए दोस्तों, ये पानी निकला हुआ है, इसको मैं रख दूंगी फ्रीज में ठंडा होने के बाद,
तो इसको दाल में डाल दूँगी, चावल बना लूँगी, सब्जी बनाऊँगी तो उसमें डाल दूँगी, आटा गूँथ लूँगी, जिसमें समझ में आएगा उसमें मैं इसको यूज कर लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है, इसलिए इसको फेंकेंगे नहीं, इसका भी यूज कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये इसको हम खोल रहे हैं, ठंडा हो गया। अब इसको देखते हैं कि पनीर कैसी बनी है। देखिए ये पनीर बनी है, ये देखिए। उसको कपड़ा पीछे रखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पनीर बनी है ये। अब इसको हम किसी बर्तन में रख के इसको फ्रीज में रख देंगे, ताकि ये कल हम बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तब ये दूध इसको यूज कर लेंगे काट।